हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भोलेनाथ। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, और वृंदावन में हमारी जो यात्रा रहेगी वो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम लोग वृंदावन में दर्शन करेंगे, और जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वो सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में आप प्रेम मंदिर के दिन में और रात में भी दर्शन कर पाओगे, और हमारी जैसी भी यात्रा रहेगी वो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चले रागा। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, और जब हम गांव से निकले उस समय टाइम हो रहा था दोपहर के 2 बजे। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग लगभग रात के 9 या 10 बजे के आसपास हम लोग वृंदावन पहुंच पाएंगे। तो बीच की जो यात्रा रही वो भी काफ़ी सुखद रही। तो उसी यात्रा के कुछ पल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे टेकरी सरकार, और इन्हीं का नाम लेके हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय बालाजी सरकार की। आज हम लोग पहुंच जाएंगे वृंदावन, तो हमारे साथ आप लोग बने रहे। बस इसकी मस्तियाँ जरूर देखते रहना आप। आज कितनी मस्ती कर रहा है यार। गाइज, अभी हम लोग आगरा क्रॉस कर चुके हैं, और अब मथुरा आना बाकी है। मथुरा से लगभग 10-15 किलोमीटर के बाद वृंदावन आ जाएंगे। कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। दोस्तों, आपको ब्रज धाम में पहुंच करके वृंदावन में पहुंच करके एक सीक्रेट बताने वाला हूं मैं। 300 मीटर के बाद बाएं तरफ से बाहर निकले। तो दोस्तों, 300 मीटर के बाद हम लोग वृंदावन के लिए मुड़ जाएंगे। अभी ये दिल्ली रोड चल रहा था। हम लोग प्रवेश कर गए हैं ब्रजभूमि में, और अब हैं वृंदावन के अंदर। मेरो वृंदावन, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय श्री राधे। और अब जा रहे हैं हम प्रेम मंदिर देखने के लिए। प्रेम मंदिर पे दर्शन करेंगे। राघव, हाय। मंदिर जो है बंद होने वाला है, 12 बजे बंद हो जाता है। देख सकते हो, ये है प्रेम मंदिर। देख सकते हो सुंदरता प्रेम मंदिर की। अभी और पूरा घूम के दिखाएंगे आपको, एक एक नज़ारा आपको दिखाएंगे यहाँ का, और साथ में रात में भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे रात में कैसा लगता है। तो सबसे पहले आप दिन में देख लो कि कैसा लगेगा। वृंदावन जो है वो मेरी जन्मभूमि भी है। ये प्रेम मंदिर है, इसके ही जस्ट पास में यहाँ पे मेरी जन्मस्थली है।
राघव देखो इधर क्या कर रहा है राघव, एक बार राधे राधे बोल दो। देख सकते हैं भगवान की झांकियों के आगे जय श्री कृष्ण लिखा हुआ है और साथ में ये फूलों और पत्तों से बनाई गई सुंदर रंगोली है और इस तरह की कलाकृतियां आपको यहां पर बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। ये मंदिर जो है वो कृपालु जी महाराज ने बनवाया है। प्रेम मंदिर के दर्शन करते हुए अभी हम लोग अंदर है। राधे 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 राधे। जाएगा
देखो अब मंदिर बंद हो चुका है और हम लोग आ गए हैं, लेकिन राघव देखो, राघव अब बाद में आएंगे, फिर सब लोग आ रहे हैं, मंदिर बंद हो गया अब, लेकिन ये देखो मंदिर में ही जाएगा, देखो रोने लगा। आप नहीं जाएंगे इधर? यही हाल है, मैंने बताया था ना आपको, राघव एक बार जब ले आते हैं मंदिर में तो वो जाने का नाम नहीं लेता है। तू चला जा, हम नहीं जा रहे। इसका मन तो यहाँ से जाने का कर ही नहीं रहा है, ले जा रहे हैं तो रो रहा है, अब क्या करें इसका। राघव आ जाओ, फिर बाद में आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आ जाओ। अरे बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, राघव से फोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन देखो गुस्से में उधर मुंह करके खड़ा है, मतलब ये फोटो खिंचवाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हमने इसकी मनोकामना पूरी नहीं करी है, दोबारा मंदिर में नहीं जा रहे हैं, देखो इसको। तो दोस्तों अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं शाम को, दोपहर में दर्शन 12:30 बजे बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे स्टार्ट होते हैं दर्शन, और जो शाम को दर्शन होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इस वजह से शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितने ज़्यादा दर्शनार्थी हैं, दिन के टाइम में आपको कम दिखे होंगे, अभी रात में बहुत भीड़ हो जाती है, और जो देखने का दर्शन करने का जो आनंद होता है वो शाम के टाइम में दोगुना हो जाता है, देख सकते हो। मंदिर की सुंदरता में भी ये मान लो बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है शाम के टाइम, जब लाइट शो होता है, और अभी आप देख सकते हो सब कुछ दिखाएंगे रात में भी, अभी आपको शाम के टाइम में हम कौन कौन लोग आए हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। सुंदरता देखो प्रेम मंदिर की रात में कितनी अधिक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे साथ कौन कौन है, यह है प्रीति, और यह है सुनैना, और यह है गिरिराज, और ये देव है, और ये राघव है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि दिन में जब रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि रात में जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है मंदिर के बाहर, तो कैमरे में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन जो अपनी आँखों का कैमरा होता है उसमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो दिन में कैमरा अच्छा रिकॉर्ड करता है, लेकिन रात में अपनी आँखों का कैमरा ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो एक बार प्रेम मंदिर को आप दिन में देखना चाहिए, और एक बार रात में आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि रात में बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है प्रेम मंदिर का, देख सकते हो। लेकिन ये नज़ारा केवल आपको 8 बजे तक ही देखने को मिलेगा, तो 8 बजे से पहले आ जाएं आप यहाँ पर। ये दोनों है ना कहीं और जा रही थी, लेकिन मैं इनको लेके आ गया। प्रेम मंदिर की सुंदरता के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है यहाँ पे। तो अभी आप एंजॉय कीजिए कुछ फास्ट फॉरवर्ड और शानदार क्लिप्स, जिनको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने आपको कल का हमारा जो सफ़र रहा और आज हमने दिन में और रात में जो दर्शन किए वो दिखाए, तो अभी हम लोग ब्रजधाम में ही हैं, आगे भी आपको बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।